हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो नॉर्मली ट्रैफिक रूल्स को लेकर है कि लोग किस तरीके से इग्नोर करते हैं ट्रैफिक नियमों को, जैसे हेलमेट नहीं पहनते हैं, कान में ईयरफोन लगाकर बाइक को ड्राइव करते हैं, जो कि वेरी डेंजरस फॉर आपके लिए और दूसरों के लिए भी डेंजर हो जाता है। तो बेसिकली उसी चीज़ के लिए लास्ट टाइम हम लोग जो कोटिलिंगेश्वर का आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम लोग कोटिलिंगेश्वर गए थे, वन डे ट्रिप था। तो उस दिन ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया था जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक। थैंक यू गाइस, एंजॉय द वीडियो। तो अभी हम लोग के एयरपोर्ट में पहुँचने वाले हैं और ये देखिए, स्कूटी से नीचे ईयरफोन गिर रहा है इसका, कोई नहीं देखने वाला। तो ऐसी चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी चलाने वक्त। ये कौन सी गाड़ी है, देख सकते कितना धुआं फेंक रहा है इस गाड़ी से। उसे तो पता नहीं चलेगा लेकिन मेरे नाक में सीधा घुस रहा है। ऐसे लोग ही मतलब पॉल्यूशन पेपर नहीं करवाते हैं, फाइन भरते हैं फिर बाद। कौन सी गाड़ी है ये? अरे भाई, आपका गाड़ी कौन सा है? बहुत स्पीड में है भाई, नहीं सुनने वाले किसी का भी पीछे। तो ये रहा कैरपुरम ब्रिज, इसके नीचे से हम लोग जाएंगे जो कि शॉर्टकट पड़ता है। अगर आप हॉस्कट के साइड जा रहे हो तो बहुत अच्छी रास्ता है, मतलब टीन फैक्ट्री का ट्रैफिक से बचना हो तो। और ये रहा स्कूटी, ऐसे साइड में लगा हुआ बाउंसी का। तो यहाँ पे बाइक तो ठीक है, कार अगर लेकर आते हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, काफी पतला रोड है ना इसके। ये भाई साहब भी बिना हेलमेट का, हेलमेट होता नहीं है या लोग पहनते नहीं है पता नहीं क्यों। आंध्र प्रदेश की गाड़ी है, इतना सारा सामान है उस पे भी हेलमेट नहीं है। तो गाइस, हेलमेट हमेशा पहना करो, मतलब सेफ्टी होता है आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। कोई हेलमेट नहीं पहनने वाला, मतलब अगर रोड पे निकलते हो तो 70% लोग तो हेलमेट पहनते हैं, रेस्ट 30% नहीं पहनते। जो लोग कल होकर फिर एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ होता है तो सीरियस इंजरी हो जाता है। हेलमेट हमेशा आपको आपकी सेफ्टी के लिए होता है गाइस, हमेशा पहनो हमेशा। तो सामने रहा यारपुरम ब्रिज, ये एक्चुअली टिन फैक्ट्री चला जाता है अगर आप सीधा जाते हो तो, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है। तो मैंने ये शॉर्टकट लिया है, यहाँ से लेफ्ट लेके राइट लेके, सॉरी राइट लेके आराम से निकल सकते हैं डायरेक्ट हॉस्कोटे, टीसी पालिया, ये सब बटरा नहीं होता है। कोई हेलमेट नहीं पहना, आगे वाले भैया को भी देखिए, बिना हेलमेट है लेकिन पहनेंगे नहीं। ये तो कान में ईयरफोन लगा के हेलमेट लटका के चल रहे हैं, अलग ही दुनिया है इनका, ये सुनने वाले नहीं है किसी का भी। भाई पहन लो हेलमेट। ये भाई भी पूरे रेस में बिना हेलमेट के। हेलमेट रखते हैं लेकिन पहनते नहीं है लोग। हाईवे पे हो पहन सकते हो यार, कुछ नहीं होता इसमें। और ये देखिए अजीब ही नमूना है, जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है, गाड़ी कहाँ रुका है, उसको समझ नहीं आ रहा या क्या पता नहीं, या पीछे आ जाए या तो आगे चला जाए, बीच में रोका है। ऐसे लोग भी हैं, अभी पीछे तो ले सकता है खाली है, और सब लोग आगे भर रहे हैं रेड सिग्नल होते हुए भी। 2 मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं होता।
ये भी बिना हेलमेट के बुलेट चला, तो बुलेट चला रहे यार, 2 लाख 3 लाख का गाड़ी है ये, देखो ये भी बुलेट वाले। ये चीज़ ऑब्जर्व किया, बुलेट वाले लोग ही नहीं चला, हमेशा हेलमेट नहीं पहनते। 2 लाख का गाड़ी है, 200 रुपये का हेलमेट नहीं खरीद पाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, बट पता नहीं है कि हेलमेट का इम्पोर्टेंस क्या है, बस आदत मजबूर। बिना हेलमेट का ये भी फुल स्पीड में हाईवे में लगेज लेकर जा रहा। सिग्नल ग्रीन है लेकिन ये बस देखो लेफ्ट करके रोक के खड़ा है बीचो बीच रोड के। और ये भाई साहब तो अलग ही दुनिया में, अपनी सेफ्टी हमेशा ध्यान रखो गाइस, हमेशा अपना सेफ्टी लेकर चलो। हमेशा देखो बुलेट वाले नो हेलमेट, ये रूल ही है यहाँ का। ये सही है हेलमेट पहने हैं ये लोग, स्कूटी वाले हेलमेट पहनते हैं, बुलेट वाले हेलमेट नहीं पहनते हैं। रॉयल इनफील्ड टैग है इसका मतलब, ये नहीं शो ऑफ करने के लिए हेलमेट नहीं पहनते लोग, पता नहीं क्यों। स्वैग स्टाइल सब सही है लेकिन गाइस सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। भाई हेलमेट पहन लिया करो यार, कुछ नहीं होता। ओमनी बहुत अच्छी गाड़ी होती है, लोग इसको किडनैपिंग को के लिए ही जानते हैं सिर्फ। गाड़ी यहाँ ब्रिज के ऊपर सब गाड़ी लगा कर छोड़ देते हैं, अब इसको लेने कौन आएगा पता नहीं। नो हेलमेट लोग स्टाइल, बिजी कपल्स हेलमेट पहन लो यार। इतनी बड़ी बस चल रही है सामने, हल्की सी भी लगी तो गिर सकते हो। No helmet as well. No helmet. यहाँ भी ये दो अलग ही स्वैग में है, नो हेलमेट के साथ राइट साइड में देख सकते हैं आप। गाइस पता नहीं क्यों मतलब हेलमेट कितनी महंगी आती है, 500-2000 में अच्छी हेलमेट आ जाती है। ये दोस्ती वाले लोग साथ में फोर व्हीलर बना देते हैं, 2 बुलेट। ये वही भी हैं जो पीछे आ रहे थे, गप करेंगे आराम से, ना जाने देंगे ना जाएंगे। हल्का सा लगा बस का, बस दोस्ती यारी सब सही है अपने जगह, लेकिन ट्रैफिक रूल फॉलो करो यार, हमेशा यही बोलता हूँ भाई, हेलमेट पहन लिया करो। सो गाइस किसको कितना क्या बोलना, मतलब लोग को खुद अवेयर होना चाहिए अपनी सेफ्टी को लेकर, दूसरे को तो नहीं, अपनी सेफ्टी को लेकर तो अवेयर होनी चाहिए ना। ठीक है गाइस तो आज के लिए इतना ही, ऑब्जर्वेशन काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं अगले कुछ अलग करने का। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मर्सिडीज, इसको देख के ही आवाज़ चेंज हो जाती है यार। नो हेलमेट बुल रॉयल एनफील्ड एज यूजुअल, मतलब रॉयल इनफील्ड के ही ज़्यादा केसेस हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। सही है, अच्छा चल रहा है, बाकी सब बढ़िया। चलो फिर बाय बाय।